विश्व प्रसिद्ध मेहर बाबा ने कहा है, मेरे पांच गुरु हैं, मैं इन पांच गुरुओं के गुणों से बना हूँ। हजरत बाबा जी, नारायण महाराज, ताज उद्दीन बाबा, सिरडी के साईं बाबा, उपासनी महाराज। विश्व प्रसिद्ध मेहर बाबा जब युवा थे तो बाबा जानी के पास नियमित रूप से जाया करते थे। दोनों अक्सर एक साथ घंटों मौन रहते थे, शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। एक शाम जब मेहर बाबा जानी के पास बैठे हुए थे, बाबा जानी ने मेहर बाबा के माथे को चूम लिया। मेहर बाबा आध्यात्मिक ऊर्जा से झूम गए और तीन दिनों तक कोमा की स्थिति में रहे। मेहर बाबा ने द्वैत की सारी चेतना खो दी और भगवान के साथ एक हो गए। हजरत बाबा जानी ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा मेहर बाबा को स्थानांतरित कर दी थी। बाबा जानी का दूसरा नाम चमत्कार था। एक बार एक चोर ने सोते समय बाबा जानी की महंगी शॉल चुराने की कोशिश की, जो कि उन्हें एक भक्त ने दी थी। क्योंकि बाबा जानी के शरीर का कुछ हिस्सा शॉल पर था, चोर को डर था कि कहीं बाबा जानी उठ ना जाए। बाबा जानी ने सहज रूप से अपने शरीर को ऊपर हवा में उठा दिया ताकि चोर आराम से शॉल ले जा सके। एक बार एक बच्चे को बाबा जानी के पास लाया गया, जिसके आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई थी। बाबा जानी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, एक मंत्र बुदबुदाया, फिर बच्चे की आंख पर एक फूंक मार दी। तुरंत बच्चे की दृष्टि वापस आ गई। खुशी से वह चिल्लाने लगा, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। बाबा जानी बहुत कम सोती थीं। एक दिन उन्हें तेज बुखार रहता, अगले दिन बिना किसी दवा के वह ठीक हो जाती थीं। जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, वह सबको बाबा यानी बच्चा कहकर संबोधित करती थीं। इसलिए लोग उन्हें बाबा जानी कहकर पुकारने लगे। बाबा जानी कभी कभी विभिन्न आचार्यों का उल्लेख करती थी। विशेष रूप से वह ताजुद्दीन बाबा को याद करती थी। वह कहती थी कि ताज मेरा खलीफा है, ताज जो देता है वो मुझे मिलता है। 17 अगस्त 1925 को आधी रात बाबा जानी ने अचानक कहा, मेरा फकीर, मेरा खलीफा ताज चला गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। अगली सुबह जब अखबारों ने नागपुर के ताजुद्दीन बाबा के निधन की तस्वीरें छापी, तब लोगों को उनकी बात समझ आई। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आई अलौकिक तप करके वह रहस्यमय योगिनी गुलरुख से हजरत बाबा जानी कहलाई। हजरत बाबा जानी का जन्म सन 1800 के आसपास अफगानिस्तान के एक कुलीन घराने में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम गुलरुख था। गुलरुख माने गुलाब जैसा चेहरा। वह बचपन से ही हम उम्र लड़कियों से अलग तरह का व्यवहार करती थी और अपना अधिकांश समय प्रार्थना और ध्यान में व्यतीत करती थी। शादी की उम्र होने पर उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया। उनके माता पिता और पठान समुदाय के लिए किसी लड़की का अविवाहित रहने का निर्णय बेहद निंदनीय था। जब समाज ने उन पर कठोर पाबंदियां लगाने का फैसला किया, गुलरुख अफगानिस्तान से भागकर भारत आ गई। पर्दा प्रथा के कड़े अनुशासन के तहत पली बड़ी एक पठान लड़की के लिए 18 साल की उम्र में भटकना कोई आसान काम तो नहीं था ना। निश्चित रूप से
ये उनकी आध्यात्मिक नियति थी जिसने उन्हें भारत में सुरक्षित रूप से पहुंचाया। गुलरुख ने कुछ बरसों तक रावलपिंडी में एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया और अंततः एक हिंदू संत के संपर्क में आई, जिन्होंने उनको आध्यात्मिक पथ में दीक्षित किया। दीक्षा के बाद वह रावलपिंडी के बाहर एक पहाड़ के एकांत में चली गई। वहां लगभग 17 महीनों तक कठोर तपस्या की। 37 वर्ष की उम्र तक गुलरुख मुल्तान में रही। उन्हें फिर से उन्हीं रहस्यमय हिंदू संत के दर्शन हुए जिन्होंने गुलरुख को प्रथम दीक्षा दी थी। उनकी आज्ञा से गुलरुख का भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा का एक लंबा सफर शुरू हुआ। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों पर कई वर्ष बिताए। यह वह समय था जब परमानंद के क्षण में वह अपनी दिव्य अवस्था को व्यक्त करने वाले शब्दों का उच्चारण करती थीं। हमेशा की तरह रूढ़िवादियों द्वारा इसे ईश निंदा के रूप में माना गया। चर्च और मुस्लिम कट्टरपंथियों की मिलीभगत से गुलरुख को जिंदा दफनाने का प्रयास किया गया। उनके दुश्मन चैन की नींद सो गए। उन्हें लगा कि गुलरुख हमेशा के लिए दफन हो गई और यहाँ गुलरुख हजरत बाबा जानी बनकर बॉम्बे में प्रकट हो गई थी। सन 1900 के आसपास तक बाबा जानी लगभग 90 वर्ष की हो चुकी थी। शेष जीवन पुणे में व्यतीत करने से पहले जब वह जहाज से दूसरी बार मक्का जा रही थी तो काफी बूढ़ी थी, लेकिन आनंदमय स्थिति में थी। जहाज पर सवार क्या चालक क्या यात्री सभी उनसे प्रार्थनाओं के पाठ सुनते थे। तभी समुद्र में भारी बारिश और तूफान उठा। जहाज डूब जाएगा, ये सोचकर यात्रीगण घबरा उठ। खतरे से अनभिज्ञ बाबा जानी जहाज के डेक पर आई और सभी यात्रियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक से एक पैसा इकट्ठा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमें इस तूफान से बचाओ। मदीना पहुंचने पर हम गरीबों को भोजन देंगे। सभी ने बाबा जानी की आज्ञा का पालन किया। धीरे धीरे तूफान थम गया। बाबा जानी के चमत्कार की चर्चा मक्का में फैल गई। अत्यंत आदर सत्कार के साथ बाबा जानी की आवा भगत की गई। वहां से अजमेर की यात्रा करते हुए बाबा जानी पुणे आ गई। बाबा जानी के कपड़े गंदे और फटे रहते थे, लेकिन उनके चेहरे की चमक आते जाते लोगों को आकर्षित करती थी। चीटियां उनके शरीर पर झूमती रहती थीं, काटती रहती थीं। इससे उनके शरीर पर बड़े बड़े धब्बे पैदा हो जाते थे। बाबा जानी अपने शरीर की स्थिति से अनजान रहती थीं। बाबा जानी बुखारी साहब मस्जिद के पास एक नीम के पेड़ के नीचे बैठी रहती थीं। सड़क पर बाबा जानी का दरबार सस्ता था। कव्वाली गाई जाती थी, लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। 1919 में एक दिन बाबा जानी ने अपने आसपास इकट्ठी भीड़ को आगाह किया, जाओ सभी तुरंत अपने अपने घरों को लौट जाओ। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सभी वापस लौट गए। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा जानी ऐसा क्यों कह रही हैं। थोड़ी ही देर बाद पुणे में भारी बारिश शुरू हो गई और भयानक जानमाल की हानि हुई। एक संस्मरण के अनुसार अपना शरीर छोड़ने से पहले बाबा जानी बुद्ध बुद्धाई थीं। मेरे जाने का समय हो गया, काम खत्म हो गया, दुकान बंद करनी होगी। बाबा जानी की समाधि उसी नीम के पेड़ के नीचे है जहां वह लगभग 35 साल रही थी। प्रिय श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।